सो भाई बैठे हैं टाटा सफारी के अंदर। आज सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, शायद छोटी भी रहे, सर्विसिंग कॉस्ट जो मुझे पता लगी है टाटा सर्विस सेंटर से, वो मैं आज इसलिए नहीं करा पाया, मुझे एक बहुत अर्जेंट जगह पे निकलना है। बट काफी लोग मुझसे कह रहे थे यार प्लीज आप सर्विसिंग गाड़ी की कराओ, और आपको एम्बियंस कैसा है, सब चीजें कैसी, तो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। देखो इसमें एक छोटी सी चीज मैं करता हूँ, मेरे पास Hyundai Elcazar थी, मेरा सब रिकॉर्ड उसके पास Hyundai के पास भी है। वो गाड़ी मैंने चलाई थी 30,000 समथिंग चलाई थी, तो मैं उससे 30,000 का एक कॉस्ट पूछूंगा कि अब क्या क्या चीजें चेंज होंगी और आप क्या क्या कॉस्ट लगाते हो। Hyundai की सर्विस कितने में होती है उस Elcazar की, टाटा सफारी कितने में होती है, तो आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं कि लोगों को लगता है इतनी एक्सपेंसिव होती है। बाकी Hyundai को भी भाई देखो रिलायबिलिटी के लिए माना जाता है, फिट एंड फिनिश के लिए, सब चीजों के लिए बढ़िया माना जाता है। आज Hyundai की देखते हैं कि उनकी सर्विस कॉस्ट मुझे मेरे हाथ में क्या देते हैं, और सर्विस कॉस्ट मैंने टाटा सफारी की अपनी लिखवा ली, और मैं आपको एक पेज पे दिखा दूंगा कि उन्होंने क्या क्या कॉस्ट लगाई है और क्या पैकेज दिया है। बाकी भाई 14,500 चल चुकी है, अब इस पे सर्विस होगी 15,000 पे, सारे ऑयल फिल्टर अलाइनमेंटिंग इंजन ऑयल सब चीजें चेंज होती हैं, वो सब मैंने कॉस्ट निकाल ली है। एक बार और मैं आपको Hyundai चल के उनका दिखाता हूँ कि कॉस्ट क्या देते हैं वो 30,000 किलोमीटर सर्विस के बाद, और दूसरी चीज ये कि एम्बियंस कैसा रहा। ठीक है, तो अब मेरी इस वीडियो के थ्रू कोई ये कमेंट बाजी मत करने लग जाना कि भाई हर जगह यही माहौल है या आप गलत बोल रहे हो, हर किसी का ओपिनियन होता है, हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, पहले ही बोल रहा हूँ, फालतू के बकवास करने मत आ जाना। सो भाई चलते हैं अब Hyundai एक बार निकलवाते हैं कॉस्ट की, क्या कॉस्ट हमें पड़ेगी, एक रैंडम फिगर, क्योंकि मुझे Elcazar में पूरी नॉलेज तो है, तो लेट्स सी क्या हमें कॉस्ट पड़ती है सर्विसेज की। तो भाई और इसमें ना सर्विसिंग की कॉस्ट में थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाने वाला हूँ, वो कैसे कि मैं सर्विस नहीं कराऊंगा, बस मैं फुल्ली एस्टिमेट लेके आऊंगा कि वो सर्विस कितने में कर देंगे। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि मैंने जैसे जिस दिन सर्विस कराई मैंने एस्टिमेट पेपर पे लिख लिया और मैंने उनको गाड़ी दिया, तो यहाँ पे ये डिफरेंस होगा कि मैं गाड़ी नहीं दे के आया, क्योंकि भाई अभी 14,500 चली है, तो मैं 15 या 15,500 के बाद कराऊंगा, उसमें अभी 1,000 है। बट मैं इसलिए अभी ये बनाना क्यों मुझे पड़ रहा है, काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार प्लीज आप सर्विसिंग कॉस्ट एक बार बताइए क्या टाटा सफारी की आपकी क्या आएगी। और आप देख सकते हो भाई, देखो 14,500 चल चुकी है गाड़ी, लेकिन इसकी सर्विस करवानी है ड्यू है, ड्यू आपको रिमाइंडर देगा आपके क्लस्टर के अंदर, लेकिन मैं अभी कराऊंगा 15,000 या 15,500 के बाद, या 15,500 पर करवाऊंगा, क्योंकि यार मुझे एक तो अभी निकलना है बहुत अर्जेंटली, एक अपने ट्रिप पर निकलना है, पहाड़ों पे ही निकलना है, एक झूठ के बोलूं तो वहां के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा 5-6 दिन, उसके बाद गाड़ी चलेगी अभी वहां पे 800,000 किलोमीटर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 15,000 या 15,500 पे मैं करवाऊंगा। बाकी मैं आपको एक अब जो वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल बढ़िया और एक्यूरेटली बताने वाला हूँ, मैंने Hyundai Elcazar की भी सर्वे कॉस्ट निकाल ली है और टाटा की भी निकाल ली है। तो जो जो ये कहते हैं ना कि भाई टाटा की सर्विस महंगी होती है एक्सपेंसिव होती है, उनके लिए मुंह पे एक चमाट ये वीडियो आपको देगी लगा के, कि फालतू के लोग ड्रामा ज्यादा करते हैं। दूसरी बात यार, और टाटा ना इंडियन ब्रांड है यार, अगर तुम कोई भी, मैं तो एक पर्सनल इंडिविजुअल की बात करूं, अगर आप लोग कुछ चीज अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, कोई भी बिजनेस आप करते हो, तो एक कस्टमर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा ना, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के लेने के बाद आप चीजें चेंज करोगे। कस्टमर ये थोड़ा ना कहेगा कि अबे जा आज के बाद इसका हम ब्रांड नहीं लेंगे, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे यार। इंडिया ब्रांड है, कुछ भी दिक्कत आती है तो उसको कंपनी तक पहुंचाओ, कंपनी सॉर्ट करके देती है। अब मैं भाई मेन पॉइंट पे आता हूँ, देखो सबसे पहली क्या चीज, एम्बियंस, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बहुत ही अच्छा है Hyundai का भी टाटा का भी, एम्बियंस में दोनों में किसी में कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसिंग का जो माहौल है, किसी ने मुझे कैसे असिस्ट करा, गाइड कैसे करा, वो भी दोनों का टॉप नॉच है, तो दोनों को फुल मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। अब भाई मैंने रफली आइडिया भी नहीं लिया, मैंने फुल एक्यूरेट इसका डिटेल्स निकालेंगे, क्या कॉस्टिंग पड़ती है सर्विसिंग के बाद, यह है 15,500 के बाद सर्विसिंग हमारी क्या पड़ती है, और Elcazar की आफ्टर 30,000 किलोमीटर क्या सर्विसिंग कॉस्ट पड़ेगी। सो भाई हेयर आर द लिस्ट, ये है आपकी Hyundai Elcazar की जो उन्होंने एस्टिमेट मुझे दिया है, एस्टिमेट भी क्या दिया यार, ये होनी होनी है, इनका खर्चा इतना आता जाता है। ये है टाटा सफारी की, पहले मैं आपको टाटा सफारी का बता देता हूँ, टाटा सफारी के अंदर आपको जो आफ्टर 15 के होगी सर्विस लिखा हुआ है, आफ्टर 15 के, तो इंजन ऑयल होगा, ऑयल फिल्टर होगा, एसी फिल्टर होगा, और आपका ये डीजल फिल्टर होगा क्योंकि डीजल की गाड़ी है, एयर फिल्टर होगा, व्हील अलाइनमेंटिंग होगी, व्हील बैलेंसिंग होगी,
और आपका सनरूफ का होगा DEF, हमारा होता है डीजल में जो यूरिया डलता है, लुब्रिकेंट होगा और AC वेंट इन केस हमें चेंज करने पड़े या नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी में भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है तो AQA का भी थोड़ा सा अलग खर्चा आता है, तो वो चीज़ आप इसमें 600-700 रुपए की ऐड कर सकते हैं। बाकी इन सबको टोटल करने के बाद या आप पैकेज ले सकते हैं 11,995 का, जिसमें कि इन सब में से जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, एक तो व्हील वेट नहीं होगा और ऊपर से आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये है, और ब्रेक क्लीनिंग वगैरह भाई ये नहीं है, एक तो क्वेश्चन मार्क ये है और व्हील वेट का नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं 11,995 में। और DEF जैसे मैंने आपको दिखाया 700 रुपये में 10 लीटर आता है, तो वो हमारा डलवाना पड़ता है, जैसे मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ, ये रहा DEF, तो अभी मेरा है 50% है, तो 50% में गाड़ी चल सकती है, लेकिन हाँ इसे 20% से नीचे मत जाने देना, तो वो है आपका, वो भी सस्ता ही होता है, तो इसमें 600-700 रुपये लगा लो, तो रफली आइडिया 11,995 का हमारा पूरा पैकेज इसमें सर्विसिंग कवर हो रही है, जिसमें कि DEF की अलग कॉस्ट होगी और इसकी होगी आपकी ब्रेक क्लीनिंग की, तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मान लो तो 12,995 रुपये, तो मतलब वही 13,000 की। अब बात करते हैं भाई हमारी सर्विसिंग आपकी Alcazar की आफ्टर 30,000 किलोमीटर्स, ये तो है 15,000 किलोमीटर्स की, लेकिन जो मैंने 30,000 पे करवानी क्योंकि गाड़ी चल गई थी वो, लेकिन 30 के बाद अगर आप करवाओगे तो मैंने इनसे एस्टिमेशन लिया कि कितना ये देंगे, तो उन्होंने क्या बताया 3,400 को पर पेड सर्विस, अलाइनमेंटिंग, बैलेंसिंग, ल्यूब्रिकेशन, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, और ये एक इनका ही अलग था बूस्टर सर्विसिंग का, ये पता नहीं क्या चीज़ है उसके अंदर कुछ होती होगी भाई, टर्बो सुना है, बूस्टर कुछ होता होगा पता नहीं भाई क्या है, व्हील वॉश, ब्रेक सर्विसेज, डीजल फिल्टर और कंज्यूमरेबल, मतलब वही आपका लेबर चार्ज वगैरह, टोटल 18 के ये बैठी है एक्सक्लूडिंग रिमेनिंग अगर ब्रेक पैड है और अगर आपको रबड़ कुछ होती है उसके Alcazar के अंदर वो चीज़ चेंज करवानी है नहीं, रबिंग वबिंग का उन सबका अलग खर्चा, वो तो खैर इसमें भी रबिंग करवाते हो तो टाटा सफारी में वो अलग खर्चा आ जाएगा, रबिंग की नीड होती नहीं है, वो इतनी धुलाई कर रहते हैं गाड़ी की तो जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इसका बैठा भाई टोटल 18,000, इसमें अगर आप 1,000 ये सब चीज़ें ऐड कर देते हो DEF वगैरह तो ये बैठती है भाई आपकी 13,000 की, ये बैठती है 18,000, ये शायद 18.5 भी पहुंच सकती है 30 के किलोमीटर चलने के बाद, ये 15,000 चलने के बाद। बाकी भाई अब आप लोगों का डिसीजन है कि जो जो कहते हैं सफारी की एक्सपेंसिव सर्विस होती हैं, तो Hyundai की भी भाई Alcazar जो 22-23 लाख की आती है टॉप एंड वेरिएंट की मैं बता रहा हूँ, सिग्नेचर डीजल वेरिएंट की, ठीक है, ये भी डीजल हमारी दोनों ही डीजल वेरिएंट है और ये 1.5 cc का, ये 2000 cc का, तो भाई अब आप लोगों के ऊपर है, जो जो ये कहते थे कि भाई सर्विसिंग ज़्यादा महंगी होती है सफारी की, तो आप लोग बताओ भाई हर और ये ना हर उसकी है भाई कंपनी का यही है, Hyundai की ले लो, Volkswagen की ले लो, आप सब चीज़ों की ले लो, बस हाँ कहीं ना कहीं अभी मारुति, क्योंकि भाई मारुति में अगर आप चीज़ों को ऊपर जाओगे तो एक तो पहली चीज़ अगर उनका 22-23 लाख वाला वेरिएंट लो तब सर्विसिंग का पता लगे, तो उसमें भी भाई 8-10 हज़ार की आराम से हो जाती है, 2-3 हज़ार का वेरिएशन रहता है, ठीक है, वो कह सकते हो कि पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई टाटा के भी पार्ट्स बहुत मतलब ज़्यादा ही हमें स्ट्रगल करना पड़ता है पार्ट्स लेने के लिए, ऐसा नहीं है, एम्बियंस मेरा काफ़ी अच्छा है और अभी तक का भाई 15,000 का जो मेरा सर्विसिंग हो रही है मेरा सही एस्टिमेट आया है गाड़ी से, इससे पहले तो भाई और भी चलाई हैं, बल्कि 6S गाड़ी थी हमारी Hyundai Alcazar, उसका भाई इतना महंगा बैठ रहा, और वो मैं सच बता रहा हूँ वो मैंने 15-20 हज़ार सर्विसिंग करी है, पहले तो सब लोग कहते थे भाई नहीं इतनी सर्विस महंगी नहीं होती, ये अब आप लोगों के सामने पर्चा मैंने खोल के रख दिया है। और दिल्ली के अंदर भाई या कोई भी दिल्ली NCR से आप लोग अपनी 30,000 की सर्विसिंग कॉस्ट मुझे जरूर बता देना, ना आपकी भाई 18-20 हज़ार से कम हो जाए, ठीक है, टाटा सफारी हुई 13,000, 5-6 हज़ार महंगी हो रही है भाई हमारी इसकी Alcazar की, तो अब शायद लोगों को समझ आ गया होगा कि चीज़ें ली हैं, और मैं इसको ये नहीं कह रहा कि भाई सर्विसिंग ख़राब है महंगी है या किसकी महंगी ज़्यादा है तो वो चीज़ ख़राब है, वो ख़राब नहीं है, हर गाड़ी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं उस चीज़ को वो भाई सर्विस करते हैं, अब ये कोई बूस्टर दिया था Alcazar के अंदर वो चीज़ को सर्विस कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं या वो चीज़ नहीं है तो उसकी सर्विस नहीं हो रही, तो यार ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ भाई इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करो, अपना चाइना की बात कर लो BYD, US के टेस्ला की बात कर लो, अपने प्रोडक्ट्स को एडमायर करते हैं, ठीक है, कुछ भी दिक्कत है डालो वीडियो डालो, वीडियो के थ्रू आपको अप्रोच करते हैं या सर्विस जाके बताओ, सर्विस सेंटर पे जाके बताओ, वो लोग 100% भाई आपकी सुनेंगे, और एम्बियंस तो भाई मेरा अभी तक कोई भी ख़राब नहीं रहा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, सब लोग बड़े ही तसल्ली से सब चीज़ें समझाते हैं, तो ये चीज़ें कहना छोड़ दो कि भाई टाटा की गाड़ियां बेकार हैं, टाटा की गाड़ियों को समझ के देखो, चला के देखो, जब चीज़ें समझ आएंगी,
टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं नो डाउट, फिट एंड फिनिश में भी काम करने की जरूरत है, एक्सपेंसिव सर्विस तो नहीं है वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन हाँ अब जैसे 15,000 चली और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है 30,000 के बाद, वो तो मैं इन फ्यूचर ही बता पाऊंगा। अभी तक भाई कोई दिक्कत नहीं आई है गाड़ी के अंदर, सर्विसिंग में भी, एम्बियंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आई। हो सकता है कि किन्नी किन्नी जगह पे भाई बहुत दिक्कत हुई है, जैसे हाथापाई हो गई हो, वो तो भाई पर्सन टू पर्सन और सर्विस वाले पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। कभी कभी हो जाती है भाई, मेरी भी बहुत बार हुई है ह्यूंडई में, एक बार गर्मा गर्मी हो गई थी। तो ये चीज मैं ये क्लियर नहीं कर रहा कि टाटा की मैं इमेज सुधार रहा हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल आंसर रख रहा हूँ कि अगर आप भाई टाटा चलाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टाटा की बुराई करो, टाटा को समझ के देखो। और मैं चला रहा हूँ, इससे पहले भी यार टाटा की गाड़ियाँ चलाई हैं, मैं क्या बहुत बार बोल चुका हूँ, सफारी तीसरी हमारी गाड़ी है, डिकोर भी चलाई है, स्ट्रॉन्ग भी चलाई है, फेसलिफ्ट भी चला रहे हैं। तो इतना बड़ा हाथी है, इतना लोहा ठान के रखा हुआ है, तो भाई उसको पालने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो प्लीज यार, ये थी मेरी एक शॉर्ट वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि सर्विसिंग के रिगार्डिंग मैंने क्या क्या समझाना चाहा है आपको। तो जो जो भाई मेरी बात से सहमत है कमेंट करके जरूर बताना कि टाटा सफारी की सर्विस आपकी इतनी हो रही है या नहीं, पैकेज आपको इतना मिल रहा है या नहीं, और जिनके पास भाई हुंडई एल्काज़ार भी है तो आपकी सर्विसिंग भी 18-20 हज़ार हो रही है या नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इसमें किसी को हेट फैलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही हेल्दी एक कंपैरिजन था, बस ये उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब मैंने दिया है कि वो कहते हैं कि भाई बहुत एक्सपेंसिव सर्विस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। 22-25 लाख की 20-25 लाख की गाड़ी लोगे तो 100% भाई सर्विसिंग इतनी आपकी बैठेगी बैठेगी। हाथी लिया है तो पालना सीखो, शिकायत करना कम करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जो फालतू कमेंट्स करेंगे एज यूजल मेरा आंसर तुम कमेंट से भोग सकते हो, बाकी रियल में मेरे सामने कुछ नहीं कह सकते। जो भाई मेरी बात से सहमत है कमेंट करके जरूर बताना, कुछ चाहते हैं इसके रिगार्डिंग में और वीडियो लेके आऊं तो वो भी मैं लेके आऊंगा 100%। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।